मॉड्यूल 108 है अबाउट यूजिंग जॉब ऑब्जेक्ट्स प्रीवियसली हमने जॉब ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस किया था कि आप कोई भी एक प्रोसेस क्रिएट करें उसको एक जॉब ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट कर सकते हैं एक जॉब ऑब्जेक्ट जो है वो कई सारे प्रोसेसेस के साथ एसोसिएट हो सकता है एक पूल बन जाएगा प्रोसेस का और फिर हर प्रोसेस से रेलिवेंट जो रिसोर्स हैं वो आप उस जॉब ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इन रिसोर्स से उसने एक्सीड नहीं करना तो उस केस में वो पूरा प्रोसेस जो है पूरे प्रोसेस का जो पूल है वो उन रिसोर्स को ही शेयर करेगा उनसे एक्सीड नहीं कर सकेगा तो ये एक बड़ी यूजफुल फीचर uh, है विद इन विंडोज अब हम देखेंगे कि हम इन जॉब ऑब्जेक्ट्स को प्रोग्रामेटिकली कैसे यूज़ कर सकते हैं प्रीवियसली हमने उससे रेलिवेंट ए डिस्कस की थी अब उन ए को हम इस्तेमाल करते हैं प्रीवियसली हमने जो जॉब शेल बनाया था जिसके अंदर के आपके पास मुख्तलिफन्स थी आप जॉब क्रिएट कर सकते थे किल कर सकते थे डिस्प्ले कर सकते थे तीन चार ऑप्शनस थी उसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और मॉडिफाई इस तरह से करेंगे कि जब भी एक जॉब क्रिएट होता है तो उसको हम एक जॉब ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट कर देंगे जब भी एक प्रोसेस क्रिएट होता है उसको एक जॉब ऑब्जेक्ट के साथ हम एसोसिएट कर देते हैं और उस जॉब ऑब्जेक्ट ने क्या रिसोर्स यूज़ करने हैं तो वो रिसोर्सेज भी हम डिफाइन कर देंगे और फिर इसके अंदर ये जो अगर हमने कोई टाइम लिमिट इस प्रोग्राम के अंदर उस जॉब ऑब्जेक्ट के लिए कोई टाइम लिमिट भी हम स्पेसिफाई करें तो इसके अंदर हमने फंक्शनैलिटी रखी है कि वो प्रोसेस जो है वो टाइम लिमिट उसको पास हो सके एज़ अ कमांड लाइन आर्गूमेंट इस प्रोग्राम की कोड देखते हैं ये बिल्कुल सिमिलर प्रोग्राम है हमारे प्रीवियस जॉब शेल की तरह ही है कुछ इसके अंदर चेंजेस हुई हैं वो चेंजेस देखते हैं कि एक तो ये हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पे मिलियन को और यहाँ पे ये ऑलरेडी डिफाइंड एक स्ट्रक्चर है विद एन एम एस डी एन आप इसको देखें ठीक है उसका एक इंस्टेंस हमने डिफ़ाइन कर दिया बेसिक लिमिट्स और उसकी वैल्यूज़ रख दी हैं ज़ीरो ज़ीरो और जॉब ऑब्जेक्ट लिमिट प्रोसेस टाइम इसकी डिटेल आप एम एस डी एन के अंदर देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या चीज़ है फिर आप यहाँ पे एक एक जॉब ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं ठीक है जॉब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले जो बेसिक लिमिट्स हैं उसके अंदर ये वाला जो पैरामीटर है पर प्रोसेस यूजर टाइम लिमिट और उसका जो क्वाड पार्ट है और प्रोसेस टाइम लिमिट का भी क्वाड पार्ट उसको मिलियन से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आप यहाँ पे जो टाइम लिमिट है पर प्रोसेस टाइम लिमिट वो स्पेसिफाई करें स्पेसिफाई करने के बाद आपने एक जॉब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जॉब ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट हो जाता है तो आपने इसके अंदर जो इसकी रिसोर्स हैं उनको लिमिट करने के लिए कंट्रोल करने के लिए वो ये पी यूज़ किया सेट इंफॉर्मेशन जॉब ऑब्जेक्ट जो हमने प्रीवियसली डिस्कस की थी ये वाली ए पी ए यूज़ किया उसको ये वाले ही हमने जॉब ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई किया ये वाला जो ऑलरेडी डिफाइंड जॉब ऑब्जेक्ट है ये हमने इसको यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया और इसके अलावा हमने जॉब ऑब्जेक्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन ये हमारी क्लास हो गई और ये हमारा स्ट्रक्चर होगा ये स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर के हमारी बेसिक लिमिट्स की इंफॉर्मेशन होगी जो बेसिक लिमिट्स की इंफॉर्मेशन हम ऑलरेडी यहाँ पे सेट कर चुके हैं वो बेसिक लिमिट्स हमने यहाँ पे सेट कर दी तो इन्फॉर्मेशन सेट करने के बाद आगे जो चीज़ डिफरेंट है वो सिर्फ इतनी है कि जॉब जी की जो ऑप्शन है जॉब जी का जो फंक्शन है वो हमारा प्रोसेस क्रिएट करता था जब वो प्रोसेस क्रिएट करेगा यहाँ पे जब क्रिएट प्रोसेस की मदद से प्रोसेस क्रिएट हुआ तो आप असाइन प्रोसेस टू जॉब ऑब्जेक्ट की मदद से हमारा ये प्रीवियसली जॉब ऑब्जेक्ट है और उस जॉब ऑब्जेक्ट के अंदर आपने इंफॉर्मेशन भी सेट कर दी है इंफॉर्मेशन सेट करने के बाद आप अपना ये वाला जो प्रोसेस है क्रिएट प्रोसेस जो आपको प्रोसेस रिसीव हुआ है उस प्रोसेस को आप असाइन कर रहे हैं टू दिस जॉब ऑब्जेक्ट तो जो भी इस तरह से प्रोसेस क्रिएट हो रहा है वो हमारे जॉब ऑब्जेक्ट को असाइन हो जाएगा एक ग्रुप के अंदर शामिल हो जाएगा और उस जॉब ऑब्जेक्ट को क्या रिसोर्स उसके लिए एलोकेटेड होंगे वो रिसोर्स हमने ऑलरेडी प्रीवियसली लिमिट कर दिए बाकी सारे जो फंक्शन है बिल्कुल वो शेल की तरह ही है प्रीवियस जो हमने यूज़ किया था जॉब शेल एग्जैक्टली वही इंफॉर्मेशन है और दूसरा यहाँ पे यह है कि हम अकाउंटिंग इन्फॉमेशन भी हासिल कर सकते हैं तो आपके पास ये फंक्शन है क्यूरी इन्फॉर्मेशन जॉब ऑब्जेक्ट क्यूरी इन्फॉर्मेशन जॉब ऑब्जेक्ट की मदद से आप अकाउंटिंग इन्फॉमेसन हासिल करेंगे आपके पास सारी अकाउंटिंग और इन्फॉर्मेशन इस बेसिक इन्फो के स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगी और फिर इसको आप चाहें तो डिस्प्ले भी कर सकते हैं तो यहाँ पे आपने बेसिक इन्फो के अंदर एक्टिव नंबर ऑफ प्रोसेस आपने डिस्प्ले कर दिए और बेसिक इन्फो के अंदर टोटल यूज़र टाइम आपने डिस्प्ले कर दिया तो जो जो बेसिक इन्फो के अंदर टोटल यूज़र टाइम जो जो आपके पास इसके अंदर फील्ड्स हैं जो इन्फॉर्मेशन है वो आप चाहें तो टोटल नंबर ऑफ़ प्रोसेस भी आपने डिस्प्ले कर दिए तो उस जॉब पूल के अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन है और जितने भी प्रोसेस हैं उनकी इंफॉर्मेशन जो है आप इस तरह से क्यूरी करके गेट कर सकते हैं और उनको फिर डिस्प्ले भी कर सकते हैं